रामटेक पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर ने लॉकडाउन में कस्तूरी तोतड़े का जन्मदिन मनाकर उन्हें सरप्राइज दिया। पुलिस ने इस कार्य से एक बार फिर पुलिस वालों में भी दिल होता यह साबित कर दिया है। वैसे तो पुलिस हमेशा ही अपना फर्ज अच्छे से निभाती है, लेकिन इस कार्य से पुलिस ने अपने कार्य की अच्छी छाप लोगों के बीच उजागर की है। रामटेक पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर ने नागपुर के पुलिस आयुक्त के जन्मदिन मनाने वाले कार्य की सराहना करते हुए खुद ने भी लॉकडाउन में 24 वर्षीय युवती कस्तूरी विवेक तोतड़े का जन्मदिन उनके घर जाकर मनाया। पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर के साथ रामटेक पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर ने नागपुर के पुलिस आयुक्त के जन्मदिन मनाने वाले कार्य की सराहना करते हुए खुद ने भी लॉकडाउन में 24 वर्षीय युवती कस्तूरी विवेक तोतड़े का जन्मदिन उनके घर जाकर मनाया। पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर के साथ सब पुलिस इंस्पेक्टर निशा भूते, उप पुलिस निरीक्षक श्रीकांत हत्तीमारे और अन्य पुलिस कर्मचारी गांधी वार्ड कस्तूरी तोतड़े के घर गए और अनाउंस करने लगे कि कस्तूरी तोतड़े घर से बाहर निकले। कस्तूरी पुलिस की गाड़ी की आवाज और खुद का नाम सुनकर डर गई और डरते डरते घर से बाहर निकली। उसके पीछे ही उसके मम्मी पापा छोटी बहन भी घर से बाहर निकले। सभी पुलिस को देख डर गए, लेकिन कस्तूरी ने पुलिस की गाड़ी के सामने केक देखा जिससे उसका चेहरा खुशी के मारे खिल गया। कस्तूरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जिसके बाद सभी पुलिस कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के बीच कस्तूरी ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। सभी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आशीर्वाद दिया। यह जन्मदिन कस्तूरी के लिए यादगार बन गया है। लॉकडाउन के दौरान जीवनावश्यक चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद है, ऐसी स्थिति में कस्तूरी का पुलिस द्वारा जन्मदिन मनाना यादगार बन गया। कस्तूरी आर्किटेक्ट अभियंता है और उसके पिता विवेक तोतड़े नगर सेवक है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उसके फूफा जी तो कांचन गडकरी उसकी बुआ है। रामटेक पुलिस द्वारा लॉकडाउन में जन्मदिन मनाने के कार्य की सभी ओर सराहना हो रही है। इन बीसीएन न्यूज के लिए रामटेक से एकता गहरा।